और कन्हैया बोले मैया भूख लगी है, कछु खाइबे को हो तो दे दो। मैया बोली लाला माखन बासो है, तेरे काज में ताजी सो घड़ो सो ताजी माखन निकालू और ताजी माखन तो खिलाऊंगी। मैंने पूर्व में भी कभी बोला है ना बासा खाओ ना खिलाओ। बासे का मतलब क्या? बासे का मतलब है कि पूर्व जन्म में जो सत्कर्म करके आ रहे हो वर्तमान में उसका खा रहे हो। ताजी भोजन तो वो है जो 24 घंटे में से 3 घंटा रोज भगवान को देते हो किसी न किसी प्रकार से, उन्हीं का भोजन ताजी है, नहीं तो सब बासा है। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, जो 60 के ऊपर के हैं उनको तो 3 घंटा भगवान को देना ही चाहिए। अब आपके पास यही तो काम है, माला ले लो, अगल बगल में गली मोहल्ले में मंदिर है एक आध घंटा वहां लगा के आ जाओ। बूढ़ी माताएं एक मंडली बना लो और उसका नाम रख दो राजस्थान गोपी मंडल। और क्या, गोपी मंडल, कभी इनके यहाँ कीर्तन, कभी उनके यहाँ कीर्तन, कभी उनके यहाँ कीर्तन, कभी उनके यहाँ कीर्तन, ऐसे ही टाइम आराम से पास होता रहेगा। हर प्रकार से आप अपने आप को भगवती सत्ता से जोड़िए, फिर आपको अकेलेपन का एहसास ही नहीं होगा, टाइम भी बड़ा आराम से निकलेगा। आज विज्ञान का युग है, जब टीवी खोलो तब ही कोई ना कोई कथा आ रही है। समय पास करने में आज तो कठिनाई है ही नहीं बिल्कुल, उस समय दिक्कतें होती थी, आज तो हाल ही टाइम पास होता। चेहरे की मुस्कुराहट को गायब मत होने दीजिए, कुछ चीज़ें हैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी नतीजा जो भी आता है यही कहकर मन को शांत कर लीजिए। और इससे भी बुरा होने वाला था लेकिन ठाकुर की कृपा है ये थोड़े में ही सिमट गया है, ऐसा कहकर मन को शांत कर ले। प्रारब्ध में किया गया कर्म ही हमारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ता जैसे बछड़ा 1,00,000 गायों में भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से कर्म भी दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, वो हमारा पीछा करते ही है। चलो पूर्व में ऐसा कुछ हुआ जिससे आज दिक्कत परेशानी आई। मैं एक दिन कहीं किसी कथा में मैं बोल रहा था, इतने शुभ कर्म करो, इतने शुभ कर्म करो, यदि प्रारब्ध का अपराध भी हो तो शुभ कर्मों के द्वारा वो कुचल जाए, वो खत्म हो जाए, माचिस की तीली लग जाए उन अशुभ कर्मों में। इतना सदकर्म, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, सुबह से लेकर रात्रि तक हर क्षण आपके पास मौका है ये करने के लिए। तुम्हारे घर में पानी ज्यादा है, तुम्हारे घर के आसपास बहुत ऐसे पेड़ हैं, ये कितने बड़े पुण्य की बात बता रहा हूं, एक लोटा पानी डाल के आ जाओ उसमें, एक पेड़ में पानी डालते ही डालते हनुमान का दर्शन तुलसी को हो गया।